राधे राधे दोस्तों, आज हम दिखाने जा रहे हैं मंदिर का नक्शा, जो कि आप मंदिर कैसे बना सकते हैं और कितनी जगह होनी चाहिए और कैसे इसकी फाउंडेशन आप भरेंगे। ये पूरी विधि आपके लिए हम बताने जा रहे हैं, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं, आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। जो मोबाइल स्क्रीन पर आप जो नक्शा देख रहे हैं, ये इसी मंदिर का नक्शा है जिसे हमने बराबर में लगा दिया है, जो कि आपके लिए कोई डाउट ना रहे। तो आप पहले जैसे मंदिर बनाना चाह रहे हैं, तो आप कम से कम जो कि बीच की जगह है जो हमारे मंदिर के लिए, ये 8x8 या 9x9 रखनी चाहिए। जो कि आप देख रहे हैं, जो कि ये दूसरा घेरा है, ये हमारे मंदिर की जगह रही, सही है, दूसरा घेरा है, ये हमारे मंदिर की जगह रही। या 9x9 कर सकते हैं, 8x8 कर सकते हैं। जो बीच में है, ये हमारे लिंटर जब ऊपर के लिए जाएगा, उसके बीच में सीकर की जगह रही, यानी सीकर बोलते हैं, शिवलिंग बोलते हैं, तो ये उसके लिए जगह रही। और जो पूरी जगह है, तो हमें कम से कम तो 4x यानी 4 फिट की जगह चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है, 4 से 5 फिट के बीच में रख सकते हैं। जो कि हमारे लिए, जैसे हम जब मंदिर के प्रवेश करें, तो हम जब दर्शन करने के बाद अगर परिक्रमा लगाने के लिए, वो जगह ज़रूरी है, उसके चारों तरफ कॉलम लगाकर और हमारे लिए फाउंडेशन बना लेनी है मंदिर की तरह। ये देख सकते हैं जो कि हमने बनाई हुई है, और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, जो कि हमारे ज़्यादातर यूपी में ऐसे ही मंदिर बनते हैं इसी तरह के। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो हमारे लिए गेट एक पूरब की तरह तरफ रखना चाहिए, जैसे हमारा जैसे सूर्य उदय होता है, तो उस तरफ एक गेट हमारा मंदिर का होना चाहिए। और दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा गेट आप बंद रख सकते हैं, जब संगत समझें कि ज़्यादा आ जा रही है या कोई प्रोग्राम है मंदिर के अंदर, तो हम दूसरा गेट यूज कर सकते हैं, जो कि एक तरफ से दर्शन करो और दूसरी तरफ से निकल सकते हैं। तो मेन गेट यानी जो आपकी स्क्रीन पर है, मेन गेट जो कि पूरब की तरफ होना चाहिए। तो आपके लिए समझ में आ गया नक्शा है कि 9x9 या 8x8, जो कि हमारा मंदिर का दूसरा नंबर पर जो घर घेरा दिखा रहे हैं, ये हो गया मंदिर का नक्शा। उसके ऊपर जब हम चुनाई करते हुए ले जाएंगे, तो जब हम लिंटर डाल देंगे, अपने डिजाइन कंप्लीट कर देंगे, फिर हमारे लिए जाकर ऊपर जाकर ये लिंटर के अंदर जगह छोड़नी है। आप गुलाई की भी छोड़ सकते हैं और इसे चौरस भी छोड़ सकते हैं। तो हमारे लिए शिवलिंग का निर्माण इसी जगह में करनी है, जो गुलाई की जगह बनी हुई है, इसमें हमारे लिए शिवलिंग सीकर बोल सकते हैं, गुम्बज बोल सकते हैं। तो ये नक्शा हो गया, जो कि ये शिव मंदिर के लिए, जैसे हमने पहले भी ऑलरेडी बता हुआ है कि शिवलिंग यानी जो हमारे हिंदू धर्म में देव में मन जो देव आते हैं, जो भी समझिए, शिव राम जो भी देव आते हैं, केवल हनुमान ढीलकर, उनके लिए लंबा गुम्बज आप डिजाइन किसी भी प्रकार की बना सकते हैं, जितनी मर्जी हो आपके पास बजट, उतनी आप डिजाइन इस पर बनवाइए, मगर ये देवों का मंदिर लंबा होना चाहिए, और जो देवी का मंदिर है वो गुलाई में होना चाहिए, गुम्बज। तो ये आप देख सकते हैं, ये देवों का मंदिर है, वैसे तो ये शिवलिंग का मंदिर है, शिव की इसमें स्थापना की हुई है। तो इसका नक्शा आपके लिए समझ में आ चुका है। अगर इसके निर्माण की चर्चा करें, तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आप कॉलम लगाकर और उसके ऊपर मेहराब दिखा सकते हैं, जिसे आरच भी बोलते हैं, और आप 9 फिट की
या 11 फीट की ऊंचाई करने के बाद लेंटर डाल देंगे। लेंटर डालने के बाद और उसके ऊपर गुम्बज का निर्माण किया हुआ है। ये सादा मंदिर है जो कि हम सही कारीगर ढूंढकर और इस मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। अगर अधिक जानकारी के लिए गुम्बज का निर्माण कैसे किया जाता है तो हमने अपने जो चैनल पर वीडियो बना रखी है उसमें जाकर आप देखिए कि गुम्बज का निर्माण कैसे करना चाहिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के लिए पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हिंदू धर्म की जो मंदिर की खासकर नॉलेज है ये गुप्त होती हुई जा रही है, इसलिए हमारे लिए भी सपोर्ट मिले आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। और वीडियो लाइक करें तो आपके लिए मंदिर का नक्शा आप पूरा देख सकते हैं। और मैंने जगह क्लियर इसलिए नहीं किया कि आपके पास कम भी जगह हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ज़्यादा है जगह तो बरामदा कम से कम जो हम लक्षित दिखा रहे हैंगे जो पहले नंबर की है ये बरामदे की जगह है, तो आप बड़ी भी कर सकते हैं जो कि 9 फीट का बरामदा चारों तरफ बना सकते हैं। अगर आपके पास जगह कम है तो आप 7x7 का भी मंदिर बना सकते हैं, उसके चारों तरफ 3 फीट की जो परिक्रमा लगाने की जगह वो छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कोई जगह क्लियर नहीं की है, मगर ये नक्शा यही बनेगा और आप इसी प्रकार से मंदिर बना सकते हैं। तो आइए वीडियो एंड करते हैं और आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। राधे राधे, जय हिंद।